वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है जेराड और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज मैं जो लेके आया हूँ वो है, ये है सैंडिस्क का डुअल ड्राइव यूएसबी टाइप सी। तो इसमें आपका यूएसबी टाइप सी का भी पोर्ट है और यूएसबी 3.1 का भी पोर्ट है। तो आपका एक इससे आपका दोनों डिवाइस में आपका सपोर्ट करेगा। जिस डिवाइस में आपका यूएसबी टाइप सी है जैसे आपका स्मार्टफोन, और जिस डिवाइस पे आपका यूएसबी पोर्ट है जैसे 3.1 जो सपोर्ट करता है। तो ये जो मैंने ख़रीदा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों मैंने ये ख़रीदा है, बट उससे पहले इसको अनबॉक्सिंग करना ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी तक इसको अनबॉक्सिंग किया नहीं है। सो आज ही मुझे ये मिला क्योंकि अमेज़ॉन में दो दिन पहले मैंने अमेज़ॉन में ऑर्डर किया था, तो उन लोगों ने अच्छी तरह आज ही डिलीवर कर दिया। इसका अमेज़ॉन लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग खरीद सकते हो। मैंने जो ख़रीदा ये 32 GB का है, इससे ज़्यादा भी है, 64 GB है, 128 GB है, वो आपको ज़रूरत के हिसाब से आप लोग खरीद सकते हो, बट मैंने तो 32 GB ही ख़रीदा क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसका रीड स्पीड है जो कि USB 3.1 स्टैंडर्ड से हाई है। ये आपका बहुत सारा डिवाइसेस सपोर्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करता है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, और आप लोग अगर मैक यूज़ करते हो तो मैक भी सपोर्ट करता है, अबव मैक OS 10.7। ये आपका OTG का जैसा भी काम करता है आपके मोबाइल पे, सो मैं वो दिखा दूंगा मेरे वीडियो के बीच में। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं फिर बाद में बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। सो गाइस, ये है आपका आउटर पैकेट, आप देख सकते हो यहाँ पर सैंडिस्क लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका डिवाइस है और यहाँ पर लिखा हुआ है डुअल ड्राइव यूएसबी टाइप सी 32 GB यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 150 MB/s रीड स्पीड। पीछे आपका ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ दिखाता है कि आपका कौन कौन डिवाइसेज यहाँ पर सपोर्ट करता है और आपका यहाँ पर प्राइस कितना है। तो प्राइस यहाँ पर ₹1,100 लिखा हुआ है, पर मैंने इसको ख़रीदा है 795 रुपीज़ में, तो मुझे ये चीप ही पड़ा है। तो आपका अमेज़ॉन ये सब में अगर आपका डिस्काउंट ये सब चल रहा है तो तभी आपको ये ख़रीदना है। तो एट 795 रुपीज़ दिस इज़ एकदम पैसा वसूल। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और अंदर देखते हैं कि इसका क्या है और ये डिवाइस कैसा है। सो गाइज, ये है डिवाइस, आप देख सकते हो कि कितना छोटा है ये। आपका यहाँ पर सैंडिस्क लिखा हुआ है और आपका यहाँ पर एक लीवर का जैसा है। सो गाइज, आप देख सकते हो इसका बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है। ये आउटर केस ये प्लास्टिक है, थोड़ा टेक्स्चर्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पर आपका सैंडिस्क लिखा हुआ है। सो पीछे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका दोनों वेंट का जैसे टाइप का कुछ है, और ऊपर आपका एक लीवर मिलता है। तो आप लीवर अगर आपका इस साइड आप मूव करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपका ये USB 3.1 का प्लग आपका मिल जाता है, जो आप अपने कंप्यूटर या जो भी डिवाइस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर 32 GB लिखा हुआ है आपका स्टोरेज का साइज़, वो फुली फोकस कर रहा है कैमरा, बट आपका यहाँ पर 32 GB लिखा हुआ है। और अगर आप दूसरी तरह इसको पुश करेंगे तो आपका यहाँ पर USB टाइप सी का कनेक्शन मिलेगा, जो आप आपका फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप, अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं नया वाला, तो उस पर आपका तो USB टाइप सी कनेक्शन है, तो वो आपका वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और ये वाला आपको अगर कंप्यूटर है या नॉर्मल मैकबुक जो भी PC है उस पर आप ये कनेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रीटी हैंडी टूल है और आप देख सकते हो कि इतना कितना छोटा है, ये मेरे पाम के यहाँ पर आ जाता है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही छोटा है और वेरी पॉकेटेबल है, और इसका 32 GB का साइज़ है जो भी जो इन टुडे स्टैंडर्ड्स ठीक ही है, कम नहीं बोलूँगा ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, बट वो मेरा चॉइस था तो मैंने 32 GB लिया। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 128 या 256 GB तक है आपका अमेज़ॉन में, मैं लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो अमेज़ॉन से, अगर आपको ज़रूरी है तो आप ख़रीद सकते हो ये अमेज़ॉन से। चलिए आप इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, और मोबाइल पे भी कनेक्ट करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है फ़ोन पे। तो पहले मैं ये मेरे फ़ोन पे कनेक्ट करके देखूंगा, उसके बाद मैं मैकबुक में मेरा कनेक्ट करके देखूंगा। तो चलते हैं फिर देखते हैं कैसे ये काम करता है। सो ये गाइस मेरा फ़ोन है, आप देख सकते हो OnePlus 6। तो पहले जो आपको जो काम करना है वो है आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको सेटिंग्स में जाके एकदम नीचे जाके आपको सिस्टम में जाना है, जाके आपका जो ये OTG स्टोरेज का जो ऑप्शन है ये आपका ऑफ रहता है, तो ये आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऑफ करके रख दिया तो फिर आप जब फ्लैश ड्राइव आप डालेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। सो अभी आप चले जाएंगे आपके मेन्यू पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ये आपका सैंडिस्क का डिवाइस है,
तो अब आप इसको आपके फ़ोन के USB टाइप सी में आप इसको डाल दीजिए। सो जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो अब आपका यहाँ पर एक आइकॉन आ जाएगा आपका USB ड्राइव बोल के, जो आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपका सैंडिस्क का जो भी आपका फाइल है वो यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हो कि जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो आपका वेरियस यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस बोल के, जो आपका इस पर कॉपी हुआ है। सो बेसिकली गाइज इस तरह ये काम करता है। सो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर में इसको अटैच करके कैसा होता है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने PC में कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैकबुक एयर है और ये जो M1 वाला मैकबुक है वो वाला है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कनेक्ट करके इसके ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो। पहले जो आपका काम है वो है, आपको ये डिवाइस लेना है और आपका जो मैकबुक का जो USB पोर्ट है यहाँ पर USB टाइप सी, इस पर आपको ये कनेक्ट कर देना है। तो आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो नो नेम बोल के एक डिस्क ड्राइव आ जाएगा। तो आप जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका यहाँ पर ये जो पेन ड्राइव है या फिर फ्लैश ड्राइव है वो ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड लॉस्ट डायरेक्टरी, सैंडिस्क मेमोरी जो भी है ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपका जो भी आपने इस फ्लैश ड्राइव पे आपने कॉपी किया है फ्रॉम योर फ़ोन या फिर दूसरा कोई डिवाइस, वो आप आपके मैकबुक पे आप या फिर जो कोई भी विंडोज़ PC हो आप उस पर उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही हैंडी टूल है। आप अगर इसको इजेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको जाके आप यहाँ से इजेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका इजेक्ट हो गया है। तो गाइज बेसिकली इस तरह ये काम करता है और इसका मेन फंक्शन यही है कि आप एक ये डिवाइस से आपका बहुत सारा डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो, रादर देन आपका ये डोंगल वो डोंगल का ज़रूरत नहीं है। आप इसका एक लेके आप बहुत सारे डिवाइसेस पे आप इसको काम कर सकते हो। इसका USB टाइप सी भी है और आपका इसका USB 3.1 का भी कनेक्शन है, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ये तो मेरे लिए एकदम ए क्लास चीज़ है, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करूँगा अभी, क्योंकि मेरे ये YouTube के लिए ही मैंने इसको ख़रीदा है तो मेरा तो बहुत ही काम आएगा ये। मैंने पहले बोला था कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप उससे ये ख़रीद सकते हो। सो गाइज अभी आते हैं मेन बात पे। मैंने वीडियो के पहले बोला था कि मैं क्यों ये ख़रीदा हूँ और उसके बारे में मैं एंड पे बताऊँगा। सो गाइज द मेन रीज़न मैंने ये ख़रीदा है इज़ बिकॉज मुझे थोड़ा अभी गेमिंग शुरू करना है मेरे चैनल पे, बिकॉज़ अभी आपको पता है कि कोरोना का क्या हाल है इंडिया में और मैं तो कोलकाता से हूँ तो कोलकाता का भी हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर लॉकडाउन हो गया है तो मैं तो बाहर निकल नहीं सकता हूँ। सो बट मुझे यूट्यूब तो एक्टिव रखना है और मेरे चैनल पर मैं गेमिंग भी शुरू करूँगा थोड़ा, मेरा प्ले स्टेशन है सो क्यों ना यूटिलाइज़ करूँ मैं उसका। सो इसलिए मैंने ये पेन ड्राइव मैंने ख़रीदा ताकि मुझे इजी हो मेरे प्ले स्टेशन से मेरे मैक तक फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा और कोई रीज़न है नहीं। तो 32 GB में मेरा आराम से हो जाएगा। तो मैं गेमिंग, जो भी गेमिंग आप लोगों को पसंद है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मेरे अभी तो मैं फीफा ये सब मैं दूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास वो सब है। तो अगर आप फीफा फनाटिक हो तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी गेम्स है मेरे पास, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक गेम पसंद है तो आप वो मुझे बता सकते हो तो मैं देखता हूँ कि वो मैं कैसे कवर कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो और जो भी है यही मेन रीज़न था कि मैंने इसको ख़रीदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने अच्छी तरह आपको समझाया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अगर आपके फैमिली या दोस्तों में कोई है जो इसको ख़रीदना चाहता है। मैं लिंक तो दे ही दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप उसको देख सकते हो, जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको गेमिंग भी अच्छा लगता है कि नहीं तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको रीड करूंगा और ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं सबको एक इलेबोरेट और एक्सप्लेन्ड कॉमेंट में दे सकता हूं। टिल देन मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। चाओ।